हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति तोशनीवाल एंड वेलकम टू माय चैनल। अब तक मैंने जो वीडियोस बनाए हैं उसमें मैंने वही मटेरियल यूज़ किया है जो मेरे पास अवेलेबल था, लेकिन बहुत बार आप लोगों से कमेंट आते हैं कि ये मटेरियल हमें कहाँ मिलेगा, या फिर हो सकता है जिस शहर में आप रह रहे हो वहाँ आपको वो मटेरियल ना मिलता हो। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम लोग सोचते हैं जो हमारे घर पर अवेलेबल है, जो सामान आपके पास घर पर है, आप उसी से कुछ बनाएं। तो अब से प्लीज़ आप लोग एक काम कीजिए कि आपके पास अगर घर पर कुछ मटेरियल है, आपको नहीं समझ आ रहा है कि उससे हम क्या बना सकते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं, वहाँ आप अपने मटेरियल की फ़ोटो या आपका क्राफ्ट वर्क जो भी आप शेयर कर सकते हैं। और आज जो हम बनाने वाले हैं, आई एम श्योर उसका मटेरियल आपको अपने घरों में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो मटेरियल में हमें चाहिए इस तरह की बैग्स, ये इजीली आपको मार्केट में अपने आसपास मिल जाएगी, ऑफ वाइट कलर के पर्ल्स, दो तीन कलर के पॉम पॉम्स, दो सीडीज जो भी वेस्ट सीडीज आपके पास हो, कैनवास फ्यूजिंग हिंदी में से बकरम बोलते हैं, इसके एक साइड ग्लू होगा। इस तरह के हैंगिंग्स हमें बंदरवाल में लगाने के लिए ग्लू गन, सीजर और इस तरह का बेल्ट। ये बेस हमें किस तरह से बनाना है हम पहले वीडियोस में भी देख चुके हैं। 18 इंचेस इसकी लंबाई है और 2 इंचेस चौड़ाई। इस पर हमें इसे हैंग करने के लिए तरह से ग्लू गन से आप इसे आसानी से चिपका सकते हैं। इस तरह से लगाएंगे, दोनों साइड पे हमें ये लगाना है। तो ये दोनों साइड में हमने लगा लिया है। उसके बाद इसे हम एक बार साइड रखेंगे और ये जो बैग है, नॉन वूवन मटेरियल होता है ये, इसके जो दोनों साइड हैं हम इन्हें कट कर लेंगे। तरह से ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद 4 इंचेस हमें इसकी चौड़ाई लेनी है, तो 4 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। यहाँ से हमें इसे कट करना है। और ये जो एक्स्ट्रा है इसे भी हमने अलग कर दिया है। तो इस तरह का एक पीस हमारे पास रहता है। उसके बाद इस तरह से हमें इसे फोल्ड करना है। ऊपर से थोड़ा इसे जमा लेंगे और नीचे से इसे फिक्स करने के लिए यहाँ पर हम ग्लू लगा देंगे, सो देट ये बार बार निकले ना, इससे काम करने में थोड़ा आसानी होगा। इस तरह से इसे जमाते हुए चिपका लेंगे। उसके बाद यहां से थोड़ी थोड़ी जिस साइड से पेक है उस साइड से थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमें इस तरह से इस पर कट लगाना है। 0.25 इंचेस हम नीचे रखेंगे और बाकी हम इस तरह से इस पर कट लगाएंगे। ये पूरी स्ट्रिप को हमें इसी तरह से कट करना है। तो इसे कट करने के बाद यहाँ से जो है किनारे से हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा ग्लू यहाँ पे लगा लेंगे ताकि ये फिक्स हो जाए, निकले ना इस तरह से। इसे हम घुमाते जाएंगे। ग्लू गन के साथ आप जब काम करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप हाथ बचा के काम करें, क्योंकि ग्लू बहुत गर्म होता है उस टाइम और ये आपको लग सकता है।
तरह से नीचे में जहाँ 0.25 इंचेस का स्पेस था वहाँ पर ग्लू लगाते हुए इसे घुमाते जाना है। तो एट द एंड इस तरह से हम इसे लॉक कर देंगे। उस तरह का एक फ्लावर हमारे पास होगा। इसी तरह के अलग अलग कलर के हमें और फ्लावर्स बनाने हैं। उसके बाद जो ये सीढ़ी हमारे पास है उसके ऊपर भी हमने ये इसे हैंग करने के लिए लगाया है, और यहाँ हमने एक फैब्रिक लगा दिया इसे कवर करने के लिए। और यहाँ से जहाँ से हमने हैंगिंग लगाया वहाँ से हमने सेंटर लिया और वहाँ पे 3 होल बनाए हैं। नीडल को गर्म करके आप आराम से होल्स बना सकते हैं, और वहाँ पे हमने इस तरह से ये लटकन लगाए हैं। ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। उसके बाद जो बेस हमारे पास था सेंटर के लिए वहाँ हमने दोनों साइड 3-3 इंचेस का गैप रखा है, और बाकी सेंटर में 0.75 इंचेस के गैप से हमने इस तरह से लटकन लगा दिए हैं। 18 इंचेस का हमारा ये बेल्ट था। उसके बाद जो यहाँ पे हमने गैप रखा है वहाँ पे 1-1 इंच का हमने निशान लगाया है, और जो सीढ़ी का साइड है वहाँ पे हमने 3 होल बनाए हैं 0.75 इंचेस के गैप से। तो जो ये फर्स्ट होल है जो सबसे ऊपर का होल होगा उसे इसके साथ कनेक्ट करेंगे, सेकंड को सेंटर में, और थर्ड को लास्ट में। इस तरह से हमें इसे हैंग करना है। यहाँ देखिए हमने किया, अगर आपको वैसे नहीं समझ आया हो तो यहाँ पे हमने सिटी में जो 3 होल्स बनाए थे इन्हें हमें इस तरह से कनेक्ट करना है बेल्ट के साथ, इस तरह से। आपका जो दरवाजे का साइज हो और आपको लटकन जितनी लंबी करनी हो उस हिसाब से आप मोती और पोम-पोम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये जो हमने फ्लावर्स बनाए थे अलग अलग कलर के, ये फ्रंट साइड है बंदरवाल का। सीढ़ी पर हम इस तरह से उसे चिपका देंगे, इस तरह से अरेंज करते हुए हमें ग्लू गन से इन्हें फिक्स करना है। ये एक तरफ है, दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही करेंगे। सेम कलर के फ्लावर्स उसी तरह से हम चिपका देंगे। उसके बाद सेंटर में जो बेस है उसके लिए हमें फ्लावर्स को इस तरह से रखना है, इस तरह से हम इसे अरेंज करेंगे। जो बेल्ट है वो पूरी तरह से कवर हो गया है फ्लावर से, और ग्लू गन से हम इन्हें चिपका देंगे। बीच बीच में अगर आप चाहे तो इस तरह के पर्ल्स लगा सकते हैं। ये लटकन को मैच करेगा। तो ये हमारे बंदरवाल का फाइनल लुक है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए। अगर आपके कोई डाउट्स है या सजेशन है तो प्लीज वो भी बताइए।